जाऊँ। सुना नहीं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपका भी तो रोल बनता है, आप अगर ये कार्य करने की मीटिंग भी दिखा दें तो देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आप बिट्स एंड पीसेस में दिखाइए, मैं चैलेंज करती हूँ, पूरी पब्लिक परेशान है लेकिन वहाँ तक बात नहीं पहुँचती। मैं आमंत्रित करूंगी हमारी सेक्रेटरी सुनीता सहरावत जी को कि वो आए और थोड़ा सा आप लोगों से रूबरू हो। सुनीता सहरावत जी, चला प्रियंका जी का पूरे देश में बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हैं। हमारे रेवाड़ी जिले से 5-6 बार विधायक मंत्री रहे हुए हमारी गुड़गांव की आन बान शान कैप्टन अजय यादव जी का तह दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आके हमारा हम महिलाओं का उत्साह बढ़ाया और हमारे इस कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाया और बहुत धन्यवाद करती हूँ। आन और बान हमारे यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष भाई पंकज जी और बहुत ही सम्माननीय मेरी प्रभारी हरियाणा प्रदेश की जो पहले भी रही हैं और अब फिर उनको दोबारा मौका मिला है हरियाणा की बागडोर उनके हाथ में दिए महिलाओं की, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है पहले भी और मेरी कोलीग भी है हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बहुत सूझी हुई है। हमारा सौभाग्य है कि हमें हरियाणा प्रदेश को ऐसी प्रभारी मिली। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे हरियाणा प्रदेश की मेरी बहन सुधा भारद्वाज जी जो हमारे महिला कांग्रेस को बहुत अच्छे से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में प्रदेश महिला कांग्रेस के नव निर्वाचित पद अधिकारियों की कार्यकारिणी का विस्तार व गठन किया गया। इस मौके पर भूतपूर्व MLA कैप्टन अजय यादव जी, महिला प्रदेश प्रभारी ओनिका मेहरोत्रा जी, मोनिका डुमरा प्रदेश सचिव एवं मीडिया प्रभारी वंदना सिंह, लीगल सेल कोऑर्डिनेटर अमित जी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पंकज जी, चेयरमैन कांग्रेस व्यापार संघ भारत मदन, जनरल फैक्ट्री कुलदीप कटारिया, एक्स चेयरमैन सुनीता जी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी से मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष गुरुग्राम पूजा शर्मा जी द्वारा किया गया। वहीं ओनिका मेहरोत्रा जी ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य काम करने का तरीका स्वरूप इसके बारे में सबको जागरूक किया और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को महिलाओं के द्वारा कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए इसके बारे में चर्चा की। संवाददाताओं से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी ने पार्टी में महिलाओं की सकारात्मक भूमिका को लेकर अपना विश्वास जताया और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का ही राज होगा, हमारी पार्टी में हमेशा महिलाओं का सम्मान दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने सभी प्रदेश कार्यकारिणी को कांग्रेस पार्टी में उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम के समापन में पूजा शर्मा जी व ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल यादव ने वहां उपस्थित सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया और सबको सफल आयोजन के लिए बधाई दी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। सरावत मैडम, सुशीला जी और हमारी दोनों जिला अध्यक्ष पूजा जी और निर्मल जी सब बधाई के पात्र। इस तरीके का कार्यक्रम करा जिस तरीके से मोनिका जी अभी आप लोगों की क्लास दे रही थी, मैं कहूंगा क्लास दे रही थी, ये आज के वातावरण में बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि कहीं की भी राजनीति घर से शुरू होती है। जिस घर की महिला राजनीति में भाग लेती है वो घर भी स्वर्ग होता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़िए अपने साथ और इस सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आप लोग मोर्चा खोलिए। मैं इस बात में कोई मुझे गुरेज नहीं, जो हमारी महिला कांग्रेस है
जब से शैलजा मैडम ने कमान संभाली है सुधा भारद्वाज जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम कर रहे हैं मैं कामना करता हूं और आने वाले समय कांग्रेस का है और महिला कांग्रेस मुझे पूरी संभावना है और मजबूती के साथ खड़ी होगी और इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। थैंक यू। हमारे बड़े भाई कैप्टन अजय यादव जी जो कि गुड़गांव की शान है और 50 साल से इनके परिवार ने जो कांग्रेस को योगदान दिया है और जन जन की आवाज विधानसभा में उठाई है, चाहे इनके फादर साहब हों चाहे खुद हैं और इनका बेटा अब इनका बेटा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि इस तरह की बस्तियां हमारी कांग्रेस की देन है। मैं मेरा यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ। अभी 22 डिस्ट्रिक्ट मैंने जब पहले संभाला तब भी मैंने पूरी कवर की थी और ठीक ठाक जोश भरा था मैंने। इतनी मैं अपने आप में अपने आप को इतनी सक्षम समझती हूँ कि मैं संगठन को तो अच्छा स्वरूप दे सकती हूँ और मुझे मिलती है कि मैं ताकतवर। बात संख्या की नहीं है, बात कितनी और कम की बात नहीं है। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की सुधा भारद्वाज जी अध्यक्ष बनी है, उसके बाद से ये पहली नई कमेटी बनी गई है। उसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाए हैं। ये फर्स्ट लिस्ट आई है। इसके अलावा और भी बहुत सी महिलाएं हैं जो संगठन जुड़ना चाहती हैं, उनको भी नेक्स्ट कड़ी में जोड़ा जाएगा। बेसिकली आज के जो प्रोग्राम था वो संगठन को किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइज तरीके चलाया जाए वो एक ट्रेनिंग इनको दी गई है। हालांकि ये सब पुरानी भी हैं, कुछ नए भी हैं, समझती हैं, जानती हैं, लेकिन रीओरिएंटेड करना, री ऑर्गेनाइज करना अपने आप को और यू नो एक तरह से जज्बे से काम करने की आज ये बात हुई थी कि किस तरह से हम एक टाइम टेबल फ्रेमवर्क के तहत चलें जिसके तहत हम डिस्ट्रिक्ट में हर मंथ मीटिंग करें। सिर्फ आंदोलन और प्रदर्शन में हिस्सा तो लेना ही है, वो फोकस भी है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह स्ट्रांग करना है, किस तरह से और महिलाओं को घर घर जाके जागरूक करना है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वो फोकस था। जब महंगाई काफी बढ़ गई है, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गई है, पेट्रोल की बढ़ गई है, तो जैसे पीछे आपने पीछे गवर्नमेंट में देखा होगा बीजेपी आगे आते थे, तो आप लोगों के गवर्नमेंट के लोग कहाँ हैं जो कि क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखिए प्रदर्शन हम खूब कर रहे हैं, अगर मीडिया दिखाए तब ना। आपका भी तो रोल बनता है। आप अगर ये कार्य करने की मीटिंग भी दिखा दें तो देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आप बेट्स एंड पीसेस में दिखाइए, मैं चैलेंज करती हूँ, पूरी पब्लिक परेशान है लेकिन वहां तक बात नहीं पहुंचती। मैं सब मीडिया को एक कैटेगराइज नहीं करती हूँ, बट इन जनरल बात कर रही हूँ। दुख होता है, हमने सोशल मीडिया में ये तो करेंगे, हमारे फेसबुक है और सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, हर जगह हम ये पब्लिसाइज करेंगे, लेकिन पहुंच कम है, पहुंच मीडिया से होती है, मीडिया ही इसको पलट सकता है, मुझे उम्मीद है मीडिया ही करेगा। मैम कार्यकारिणी तो इस सोसाइटी का पार्ट है। मैम कार्यकारिणी की कब तक आपके पूरे हरियाणा के अंदर टीम बन जाएगी, कब से उसका? देखिए जो फर्स्ट लेयर ऑफ टीम है वो तो बन चुकी है, अब इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स देखने हैं, जैसे यू नो और नीचे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट अपनी कमेटी बनाए, कमेटी आगे ब्लॉक बनाए, ब्लॉक के आगे हम बूथों में जाएंगे। बनी हुई है बट कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ कम है, कहीं पूरी है, तो टोटलिटी में हमने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन में देखना है, बिट्स एंड पीसेस में हम देख सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप शुरू कर रहे हैं। और यू नो एक हौसला होता है जब आपकी प्रभारी आपकी बताती है, आपके अध्यक्ष और जो हरियाणा की महिलाएं जो और आगे ऑल इंडिया में चली गई हैं वो भी जुड़ती हैं, यू नो कि नहीं हम भी आपके साथ है, तो एक के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी तो होता है ना महिलाओं के साथ, वो एक हमने एक्टिविटी शुरू की है। अब जैसे मैंने बताया फरीदाबाद से शुरू करेंगे एंड फिर हम लास्ट सरसा तक पहुंचेंगे, बहुत फास्ट ट्रैक में हम करना चाहते हैं, टाइम बाउंड प्रोग्राम रहेगा इनके पास, जो इफेक्टिव है जो काम करना चाहती है ओपन आर्म्स हम वेलकम करते हैं, और जो सिर्फ पद के लिए आती है वेल यू नो ऐसी भी होती हैं, हर संगठन में होती हैं, उनका भी स्वागत है, लेकिन हमें वर्क इफेक्टिव और स्मार्ट वर्क अप चाहिए। परिवार है सर, ये बहुत पुरानी बातें हैं, हम हर टाइम कांग्रेस से को ये टैगलाइन लगा देते हैं आपकी गुटबाजी, परिवार है, इतने दिग्गज नेता हैं, ठीक है अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है, बोले सब अपनी बात करते हैं, रखें अल्टीमेटली तो फोकस पार्टी का है ना और संगठन का है, वो हम मजबूत करेंगे। नए सदस्य जोड़ने के लिए छिटक गए लोग कांग्रेस से, महिलाएं छिटकी नहीं है सर, आ चुकी हैं, अब इसे डिजिटल भी कर दिया हमने, जो पढ़ लिखा वर्ग भी है। देखिए डिजिटल तरीका सोशल मीडिया बहुत एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है, तो आजकल पेपर वर्क तो हम मेंबरशिप कर ही रहे हैं लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी मेंबरशिप चल रही है, जैसे आप स्कूलों के एडमिशन देख रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म्स है ना, तो ऑनलाइन भी हमारी मेंबरशिप हो रही है एंड लोग जुड़ रहे हैं। देखिए आप कम जोड़ें बट कॉन्क्रीट जोड़ें, सिर्फ फेक नंबर्स के लिए हम ये काम नहीं करना चाहते हैं, हम उनको जोड़ना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगे तो मजबूत कैसे होगा? मजबूती एक से 11 होते हैं सर, 1+1 2 नहीं, 1+1 11 होते हैं, तो वो पावरफुल अपने आप में एक मेरा दमदार है, आपने सुना नहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ।
लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, मेरी कॉन्फिडेंस बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, हम तो वेट कर रहे हैं इसके लिए। आपने देखा झांसी का प्रोग्राम कितना जी जी करिए। हरियाणा में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जी 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 बिल्कुल सब तैयार है। कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ये चीजें यू नो दिखाई दे रही है धरती में भी। अब धराताल में भी अब जाएं तो ये टैगलाइन है और स्लोगन है, स्लोगन के अलावा बहुत मीनिंगफुल है। देखिए ये स्लोगन नहीं है, बहुत मीनिंगफुल है, वजनदार बात है। इट इज नॉट मियर वर्ड्स, वचन वाली बात प्रियंका जी करती है कि हम वचन देते हैं। सिर्फ हम एक वो लेके नहीं आए आपके मैनिफेस्टो, बट जो हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। कांग्रेस ने जो कहा वो हमेशा ही करके दिखाया। लड़ना को अब अगर उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में लेके जाए तो तू मैं भी हो सकती है। लड़ने के मतलब ये है कि हम सक्षम हैं, ताकतवर हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। किसके खिलाफ लड़ेंगे? अन्याय, महंगाई, बलात्कार, क्या नहीं है, क्या नहीं हो रहा, बेरोजगारी, क्या नहीं हो रहा इसमें। 2014 का देख लीजिए डिक्लाइन कितना है, हर चीज में डिक्लाइन है, आप देख लीजिए। तो ये बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। सुन लीजिए आप, देखिए मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी ताकतवर है। इनको ये लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैम हम भी बोलें, ये अथॉरिटी है इनको बोलने की। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।